हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका की पैसे की पाठशाला। मुझसे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि मैं इक्विटी इन्वेस्टर हूँ एंड इक्विटी की रिटर्न काफी अच्छी आती है, तो फिर क्यों मुझे एसेट एलोकेशन करनी चाहिए या क्या मुझे रियली एसेट एलोकेशन की जरूरत है? तो मैं इस चीज के लिए आपको पहले ये बोलना चाहूंगी कि आई एम श्योर आप जानते होंगे द वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस, बट एक क्विक ग्लांस दे देती हूँ। द वेरियस एसेट क्लासेस आर मे बी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स लाइक FDs, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, और इवन रियल एस्टेट एज एन एग्जाम्पल, या गोल्ड की इन्वेस्टमेंट, कमोडिटी इन्वेस्टमेंट, और ये सारी टाइप की एसेट क्लासेस होती हैं। तो हम इस चीज को समझते हैं मे बी एक एग्जाम्पल से। सो जब हम एक डाइट की बात करते हैं, आज हम सब जब खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, तो हमेशा हमारे डॉक्टर या डाइटिशियन हमें रेफर करते हैं फॉर अ बैलेंस्ड डाइट, जिस डाइट में आपके पास प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फाइबर भी हो और सारी चीजें। सिमिलरली जब हम अपने पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो उस पोर्टफोलियो में भी एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस में होनी चाहिए। रीजन बीइंग, उस एसेट क्लासेस का बेनिफिट आपको हर एक से मिले, यानी कि आपको एक फिक्स्ड रिटर्न भी मिले अगर आप एक फिक्स्ड एसेट क्लास में हैं तो, इक्विटी का रिटर्न मिले ड्यू टू वोलेटिलिटी, मार्केट कंडीशंस एंड द अदर बेनिफिट्स दैट वी गेट, आपको गोल्ड का बेनिफिट मिले, आपको रियल एस्टेट का बेनिफिट मिले, एंड हर एसेट क्लास अगर आप ऑब्जर्व करें इन द लास्ट 10 ईयर्स, तो हर एसेट क्लास की एक अपनी रिटर्न आई है। कभी कोई एसेट क्लास ने बेटर परफॉर्म किया है एंड कभी किसी और ने। तो इस वजह से हम एडवाइस करते हैं कि आप अपनी एसेट एलोकेशन करके चले। एसेट एलोकेशन का एक और बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। अगर आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स इलिक्विड भी हैं या लेस लिक्विड हैं लाइक रियल एस्टेट, तो मे बी आपकी बाकी एसेट क्लासेस लिक्विडिटी में फोकस करती हैं। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ लिक्विडिटी का भी बेनिफिट एसेट एलोकेशन से मिलता है। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को एटलीस्ट एनुअली देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, और अगर एसेट एलोकेशन की जरूरत लगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से मूव कर लीजिए। सो इसीलिए जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो आप जैसे बैलेंस डाइट के बारे में सोचते हैं, वैसे ही अपने बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के बारे में सोचें और इन्वेस्ट करें। सो आई एम श्योर इससे आपका भी डाउट क्लियर होगा और आप भी एसेट एलोकेशन के बारे में सोचेंगे इन्वेस्टमेंट के टाइम। ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड लोगों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इफ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर बाय नाउ। थैंक यू।